भत्ता माफिया उरूज पे पहुंच गई और इसकी सरपरस्ती जो है वो पुलिस वाले ज़्यादातर करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। सदर में आप देख लें, सदर में जितनी भी रेड़ियाँ लगी हुई हैं या दुकान वाले एनक्रोचमेंट हैं, इनसे डेली बेसिस पे पुलिस वाले भत्ता लेते हैं। बड़ा ही मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, उस थाने के अंदर जितने ये इन्होंने बात की निशानदेही की, ठेले वाले हैं, इनक्रोचमेंट वाले हैं, या वहाँ पे अगर वो क्राइम चल रहा है, कोई मुख्तलिफ किस्म की एलिमेंट्स हैं, वहाँ से वो भत्ता लेना, तो जो जो ये लीगली भत्ता को, ये एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है। और थाने का SHO लोगों को अमन देने के बजाय, स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय जो है ये रिकवरी कर रहा होता है और ये पैसे जमा कर रहा होता है अपने लिए या आगे ऊपर देने के लिए। पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन जो पुलिस को लॉस, जो लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्न करता है, CRPC, PPC, एविडेंस एक्ट और इस तरह के बाकी लॉस, वो ज़्यादातर फेडरल स्टेचूट्स हैं। तो इसकी वजह से ये यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को यकजा होना पड़ेगा।